Hello, Prosper Mathematician. How are you? वाहेगुरु हम सबको खुश रखे. Let us start new exercise, new subtopic parabola. Parabola क्या होता है? Practically parabola आपको बताना बहुत आसान है. जब आप क्रिकेट की गेंद को खेलते हो ना, ऐसे मारते हो ऊपर, ऊपर से फिर वापस आती है, यानी स्काई की तरफ करते हो, तो जो कर्व बनती है, यानी फेंकने से लेके वापस ग्राउंड पर आने तक जो कर्व बनती है, दैट कर्व इज कॉल्ड पैराबोला. ठीक है, अब हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं. डेफिनेशन से कैसे आपको पता चलता है? इसमें एक तो लाइन हम फिक्स करते हैं. सपोज करो हमने एक लाइन फिक्स कर ली, ये हमारे पास फिक्स लाइन है, और एक पॉइंट भी हमने फिक्स कर लिया, एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया. ठीक है, डेफिनेशन देखो. ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन. ये हमारे पास फिक्स्ड लाइन होगी एंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, यानी कोई पॉइंट ऐसा मिले, जैसे सपोज करो ये पॉइंट है. ठीक है, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, समझते हो? हमने इस पॉइंट का नाम सपोज करो बी वन रख दिया. ठीक है, इसका नाम एफ रख दिया, इसका नाम रख दिया पी वन. यानी यहां पर वी वन पी वन इक्वल टू पी वन एफ. ठीक है, कोई अनदर पॉइंट है सपोज करो यहां पे है. ठीक है, इसको इससे मिलाया, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका नाम हम रख देते हैं वी टू, ये आपका पी टू. तो यहां पर अब वी टू पी टू इक्वल टू पी टू एफ. ठीक है, इसी प्रकार कोई अनदर पॉइंट करो यहां है बी थ्री, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी थ्री. तो वी थ्री पी थ्री इक्वल पी थ्री एफ, यानी ये इसके बराबर, ये इसके इक्वल, ये इसके. यही डेफिनेशन कहते हैं पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट, मतलब बराबर, फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, दिस इज फिक्स्ड लाइन, एंड ए फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, नेम रखा हमने एफ वन. इससे कर्व बनती है, देखो ऐसे ये कर्व बन गई, जो इस फॉर्म, यानी जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेंगे वो सारे पॉइंट्स, ये आपकी फिक्स्ड लाइन होगी, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होगा. जो भी ऐसे सभी पॉइंट जिसकी इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से होगा, उसको हम पैराबोला बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आयो पैराबोला है तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ठीक है, जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, सॉरी ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. उस फोकस में से जो लाइन, जैसे यहां पर फोकस था, ये लाइन जो हमने ड्रा की,
ठीक है, ये हमारे एक तो एक्सेस लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट फोकस है। सेकंड, ये पॉइंट वर्टेक्स है। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है उस लाइन का, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और इस फिक्सर लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इस फिक्सर लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स होता है, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फोकस हो गया, ये जो फिक्सर पॉइंट था इसमें से हमने एक लाइन ड्रा करी, इसमें ये जितना ऊपर होते होती है लगभग मिडल में होती है, ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो ये हमारा वर्टेक्स हो जाता है, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मत सोचना भी इसी तरफ बनेगा, ये इस तरफ भी हो सकता है, 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 चारों तरफ हो सकता है। हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे, अगर ऐसे होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, इस तरफ होगा क्या होगा, इस तरफ होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड क्या होगा, राइट हैंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा, ये सभी डिस्कस करेंगे। यानी पहले आप पैराबोला और उसकी डेफिनेशन समझने की ट्राई करो। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा, होगा नहीं हुआ इस पिक्चर, इस वीडियो को दोबारा से वॉच कीजिए और कोशिश करिए समझने की, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसका फॉर्मूलाइज करेंगे, नाउ नेक्स्ट पार्ट वाई स्क्वायर फोर एक्स, ये कैसे आया, हम चार पार्ट हैं इसके, हम एक पार्ट की फुल स्टडी करेंगे, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे करना है वो आपको लॉजिक की तरह बता दिया जाएगा। देखो जो फोकस पॉइंट था, ये फोकस पॉइंट था ना, जो फिक्स्ड पॉइंट था वो फोकस पॉइंट था, ठीक है। जो वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट हम जीरो जीरो मान लेते हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो, यानी इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ये नहीं है हमेशा पैराबोला के जो पॉइंट होंगे वो ओरिजिन ही होंगे, नहीं, और भी हो सकते हैं, जैसे हमने सर्कल में स्टडी किया एच और के, किंतु सीबीएसई के जो प्लस वन का सिलेबस है या प्लस टू में पढ़ोगे, जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें आपको ओरिजिन वर्टेक्स वाले ही पैराबोलाज आएंगे, इसलिए हम फाइनल पेपर के एग्जाम ऑफ व्यू से करेंगे तो ये जीरो जीरो ही होंगे, जो हमारे सिलेबस में है प्लस वन के सिलेबस में है, ठीक है। यानी वर्टेक्स के पॉइंट जीरो जीरो होंगे, ठीक है, और ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो इसके इसमें से जो ये लाइन पास होगी हम इसको वाई एक्सिस मान लेंगे, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। हमने फोकस के पॉइंट ए जीरो लिखे, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट ये माइनस ए जीरो होगा, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव होगी एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव होगी, और डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के अनुसार जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये होगा, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये वाला डिस्टेंस होना है, इसलिए अगर ये ए जीरो है, ये वर्टेक्स ओरिजिन है जीरो जीरो है, तो ये वाला पॉइंट माइनस ए जीरो, क्लियर स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट आपका माइनस ए जीरो होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये चीज इसका इक्वेशन तो ये वाली है, हम इसको स्टडी करेंगे कैसे बनी। सपोज करो हमारे पास एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है पैराबोला के, ठीक है, ये पी, इसको फोकस को हम एफ बोलते हैं, इस तरफ सपोज करो डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसको हम सपोज करो एम का नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आपके पास पी एम और पी एफ ये दोनों इक्वल होंगे,
तभी ये पैराबोला है, क्योंकि फिक्सर पॉइंट्स और फिक्सर लाइन से पैराबोले पर जो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हम इससे फार्मूला फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट्स, पीएम इक्वल पीएम किया था हमने ना, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार पीएम और पीएफ इक्वल होंगे, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। अब देखो इस एम के पॉइंट्स क्या होंगे, यहां से यहां तक तो माइनस ए है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो ये अगर एक्स वाई है तो इसके पॉइंट क्या होंगे, माइनस ए वाई। अब हम पीएम इक्वल पीएफ होगा, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, स्क्वेयर बोथ साइड्स, तो उसके बाद पीएम का स्क्वेयर यानी एक्स माइनस ए है प्लस ए हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर पी एम और वाई माइनस वाई का होल स्क्वेयर। इस तरफ फोकस फिक्सर पॉइंट यानी फोकस से x माइनस ए का होल स्क्वेयर, y माइनस जीरो का होल स्क्वेयर। अब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स, वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स, y माइनस वाई जीरो कैंसल, उसके बाद एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसल, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर, इसको हम दूसरी तरफ ले गए पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी इस तरफ है, तो वाई स्क्वेयर इक्वल फोर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, वाई स्क्वेयर इक्वल फोर ए एक्स। इस प्रकार हमें राइट हैंडेड पैराबोला का फॉर्मूला मिल गया, बाकी यही होंगे, हम एक ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद सभी की फिगर बना के वर्टेक्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को समझ आ गया, तो जय हिंदुस्तान, जय डीएवी, हैव ए नाइस डे, ओके।